In the previous video, we read about different types of chemical reactions, जिसमें हमने combination, decomposition, displacement and double displacement reaction के बारे में पढ़ा था. So, in today's video, हम other types of chemical reactions, for example, oxidation, reduction and redox reaction को पढ़ेंगे. Oxidation reaction. इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वर्ड से सिमिलर एक वर्ड नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन. सो वी कैन से दैट अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस एंड अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस. ओ यानी कि ऑक्सीजन का इस रिएक्शन में गेन होता है एंड एच यानी हाइड्रोजन का इस रिएक्शन में लॉस होता है और एनर्जी का भी लॉस होता है. सो एक जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर देता है. नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन. सो सबसे पहले तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि ओ ऑक्सीजन का लॉस एंड एच हाइड्रोजन का गेन और एनर्जी का भी गेन होता है. सो अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. अब रिडॉक्स रिएक्शन. सो इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तब हम बोलते हैं देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन. Okay, so let us see with this example, जिसमें CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर एंड H2O मिल रहा है. कॉपर ऑक्साइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड वाटर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहा है. इसलिए In the next video, we will cover what is exothermic and endothermic reactions.